हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम आ जाइए सभी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आ जाओ जुड़ जाओ सभी क्या हम लाइव हो चुके हैं ऑडिबल भी हो चुके हैं ना चलिए तो शुरू करें है ना महाविजन महाविजन जो है हम यहां पर शुरू करते हैं ठीक है थीके? सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को क्या होने वाला है चलो फटाफट आप सभी रिवीजन करेंगे शांतिपूर्वक है ना चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर अनुवांशिकता के जनक कौन होने वाले हैं है ना लगाइएगा अनुवांशिकता के जनक कौन हो जाएंगे है ना चलिए लगाइए फटाफट लगाना करीब 200 क्वेश्चन जो है हाँ, हमने यहां पर एड किए हैं है ना ठीक है चलो लगाते चलो मेंडल हो गए ना ये तो आसान था नेचुरल सिलेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी विकास का सिद्धांत है ना ये सब किसने दिया है चार्ल्स डार्विन ने दिया है बायोलॉजी, जूलॉजी का नाम रखा है हरगोविंद खुराना को संपूर्ण जेनेटिक क्रोमोसोम राइबोसोम जीन अच्छा जीन शब्द किसने दिया है जिस प्रकार से क्रोमोसोम शब्द वोलडेयर ने दिया है, है उसी प्रकार से जीन शब्द जोहानसन ने दिया है जोहानसन ने है ना राइबोसोम की खोज पेलेट ने की है पेलेट ने की है लाइसोजोम की खोज डी डवे ने की है डी डवे ने लाइसोजोम की खोज की है तो जीन ही सबसे छोटी अनुवांशिकता की इकाई है है ना है ना जीन जो है आपको कहां पर मिलते हैं जीन कहां पर मिलते हैं तो यहां पर केंद्र की सेंट्रीबिटल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम क्रोमोसोम की जो खोज है ना वो किसने की है खोज जल्दी से बताओ खोज किसने की है? खोज के नागिली ने की है कई बार आता है और जीन अपने को क्रोमोसोम में तो मिलेंगे देखो एक ऑर्डर याद रखो जीन से क्या बनते हैं डीएनए बनते हैं और डीएनए से क्या बनता है क्रोमोसोम बनता है क्रोमोसोम ठीक है याद रखो क्रोमोसोम से क्रोमोटीन बनता है एंड जीन ऐसी कोई एग्जाम नहीं कि जेनेटिक्स से जीन से क्रोमोसोम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो है ना वट इज जीन तो आ, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे होंगे क्रोमोसोम का एक भाग लगाए कि डीएनए का एक भाग लगाए तो हमने आपको अभी अभी ऑर्डर बताया था ना अभी अभी ऑर्डर बताया था कि जीन से मिलकर क्या बने होते हैं जीन से मिलकर डीएनए बने होते हैं है ना और अगर, अगर अपन यू सेल की बात करें यू यानी कि वेल डेवलप्ड कोशिकाओं की बात करें तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन फिर डीएनए से जुड़ता जाता है जुड़ता जाता है और क्रोमोसोम बनाता है क्रोमोसोम बनाता है तो यहाँ पे डीएनए का एक भाग लगाएंगे अपन समझ गए ना क्रोमोसोम का एक भाग नहीं लगाएंगे जीन से डीएनए इसीलिए ऑर्डर बताया था हमने आपको क्रम बताया था जीन से डीएनए डीएनए से क्रोमोसोम समझ गए तो गलती नहीं होना चाहिए अगली बार उसके बाद सबसे पहले लेबोरेटरी में जीन का सिंथेसाइज कर दिया था इन्होंने एक जेनेटिक कोड का सिंथेसाइज किया संश्लेषण किया संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता भी लगाया 1968 की बात है है ना और इनको नोबेल प्राइज मिला आप जानते हैं इसमें से जेनेटिक एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है जिसको प्रपोज किसने किया था कि हम जितने भी हेरिडिटरी सब्सटेंस है उसका अध्ययन एक अनुवांशिकी एक जेनेटिक ब्रांच में करेंगे उसको प्रपोज किया था वाटसन ने याद रखेंगे है ना डार्विन नेचुरल सिलेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक हो जाएंगे है ना चलिए ये लगाइएगा वन जीन वन एंजाइम तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है हमारे शरीर के अंदर एक जीन जो है एक एंजाइम बनाता है एक जीन एक एंजाइम बनाता है है ना

जीन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जीन को बता सकते हैं किस तरह से हम जीन को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं उसको समझा सकते हैं है ना जीन्स <coughs> तो जीन्स को हम कैसे एक्सप्रेस uh, करें क्या जीन अनुवांशिकता की इकाई है जी हाँ हेरिडेटरी यूनिट है एकदम सही बात है है ना uh, और क्या जीन डीएनए का एक भाग है जी हाँ जीन डीएनए का ही भाग है जीन से ही मिलकर क्या बनता है डीएनए बनता है और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बनता है है ना क्रोमोसोम ठीक उसके बाद क्या ये म्यूटेशन की इकाई है क्या यहाँ पर म्यूटेशन हो सकता है जीन में अगर वेरिएशन आ जाए तो बिल्कुल हाँ जीन में वेरिएशन आता है तो ही म्यूटेशन होता है अच्छा म्यूटेशन किसने दिया था जल्दी बताओ तब तक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जीन का नाम किसने रखा हमने अभी आपको क्रोमोसोम याद करवाया था क्रोमोसोम है ना <coughs> सर क्रोमोसोम सिद्धांत वॉल्टर स्टन थियोडर बेबरी ने दिया था ठीक है म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिज का दिया है, है डीएनए शब्द जैक हैरिस ने दिया, दिया, दिया प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया बायोलॉजी शब्द है ना रोलेमार्क और ट्रेविरे ने दिया ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं गोल्टन ने सिटी बजाकर अल्ट्रासाउंड निकाला चलिए ये भी आप याद रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट वन कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ देखिए ये सब्सटेंस की बात हो रही है जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही होगा लेकिन अगर आपसे इसमें ऐसा पूछ लेता कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में आ, क्या क्या आता है तो आप क्या लगाते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि कोशिका के लिए सबसे जरूरी अम्ल कौन सा होता है नाभिक अम्ल होता है तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है डीएनए और आरएनए तो डीएनए तो अपने को न्यूक्लियस में मिलेगा केंद्रक में और साइटोप्लाज्म है ना साइटोप्लाज्म साइटो मिलेगा ठीक है चलिए तो में दोनों चीज़ आती अनुवांशिक जो, है, है जो पदार्थ है वो डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है कई बार इसका फॉर्म भी पूछा जाता है चलिए अः यहाँ पर सबसे पहले डीएनए का सिंथेसाइज किया था देखो यहाँ पर यानी कि जो है जेनेटिक कोड्स को सिंथेसाइज किया था अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था जेनेटिक कोड को सिंथेसाइज किया हर गोविंद खुराना ने ठीक है ना चलिए ये आपको याद रखना है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था 1953 में है ना कुछ इस प्रकार से मॉडल होता है दो रिबिन होते हैं हमने याद किया था ना आ, ए टी और जी सी याद है ना आप सभी को ए टी जी सी फिर टी आपका जुड़ता है आपका पेंटो शुगर से पांच कार्बन शर्करा से इस प्रकार से यहाँ से भी आप पांच कार्बन शर्करा से जोड़ सकते हैं फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं फोर्स ग्रुप से है ना फोर्फेड ग्रुप से जुड़ जाते हैं चलिए तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था है ना वॉटसन और क्रिक ने दिया था पोल नहीं आया क्या आपके पास सोनम किसी का पास भी नहीं आया चलो कोई बात नहीं इसमें 1808 में एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी एटॉमिक थ्योरी को ही मोलिकुल थ्योरी भी कहा जाता है उन्होंने कहा था एटम कैन नॉट डिवाइड कांट बी डिविजिबल ऐसा कुछ है ना ने पोलियो का टीका खोजा था ने बैक्टीरिया की खोज की थी चलो माता पिता के जो गुण हैं उनकी संतानों में कैसे आ रहे हैं तो हमने देखो याद किया था ना जल्दी से बताना एलोजोम और ओटोजोम ओटोजोम एलोजोम होते हैं सिर्फ एक्स और रहा इसको एन से दर्शाया जाता है ऑटोजोम होते हैं 20, 22 इसको टू एन से दर्शाया जाता है टू एन टोटल होते हैं 44, है ना तो आ, ये जो गुण आ रहे हैं ना ये ऑटोजोम की वजह से आ रहे हैं है ना ये सोमेटिक सेल में होते हैं सोमेटिक यानी कि कायिक कोशिकाओं है ना कायिक कोशिका से ही शरीर की काया बनती है तो गुणसूत्र के द्वारा है ना ऑटोजोम गुणसूत्र के द्वारा ही ठीक है चलिए बच्चे आ, अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं है ना ऐसा बोलते हैं ना ये मम्मी पे गया ये पापा पे गया है चलिए हार्मोन शब्द बेलिस और स्टारलिंग ने दिया था। किस कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती देखो जिससे अगर तीन भाई हैं, दो बहनें हैं तो एक दूसरे दु, के समान नहीं होंगे कारण क्या है एक तो सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक वेरिएशन है ना जेनेटिक वेरिएशन हमने अभी अभी एलोजोम और ऑटोजोम पढ़ा है एलोजोम जो होते हैं ना क्रोमोसोम वो और एलोजोम काया बनती है एक एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि जहाँ गर्मी ज्यादा होगी वहां पे काले लोग पैदा होंगे जहां पे ठंड ज्यादा होगी वहां पे गोरे लोग पैदा होंगे है ना चलिए तो ए और इज द राइट आंसर प्रोटीन शब्द किसने दिया ये क्वेश्चन तो नहीं किया अपन ने अगर आपको याद आ रहा हो तो बता देना <coughs> द्विगुणित क्रोमोसोम डिप्लोइड क्रोमोसोम है इसको याद रखना द्विगुणित द्विगुणित यानी कि दो 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 के गुना वाले, दो के दो के गुणा वाले मल्टीपल मल्टीपल प्रोटीन वो तो वाइटामिन अपन ने किया था ना वाइटामिन शब्द फंक ने दिया है वाइटामिन शब्द जो है फंक ने दिया है और इसकी जो खोज है वाइटामिन की खोज ल्यून ने की है ल्यून ल्यून ने डिस्कवरी की है फंक ने नाम रखा है है ना चलो कोई बात नहीं देखिए देखिये डिप्लोइडेड टू के मल्टीपल तो तेविस दुना छियालीस तेईस दुना छियालीस तो आपको जो है डिप्लोइड लगाना था ना यानी कि टोटल में डिप्लोइड अच्छा प्रोटीन शब्द भी फंक नहीं दिए क्या पुरुष में पुरुषत्व के लिए यानी कि मेल आपको मेल चाहिए मेल अगर आपको चाहिए तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए फोर्टी फोर प्लस एक्स जीरो फोर्टी फोर प्लस ट्रिपल एक्स फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई अच्छा फोर्टी फोर प्लस एक्स 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 भी होता है फोर्टी फोर प्लस मल्टीपल होता है समझ पा रहे हैं आप बात को समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे देखो चुम्बालीस पैतालीस छियालीस सैतालीस है ना यहाँ पे हो जाएंगे अड़तालीस यहाँ पे हो जाएंगे उनपचास वाला केस कौन सा है पता है ना आप सभी को ये सुपर फीमेल का केस है अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सुपर फीमेल किसे कहा जाता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम कुछ ज्यादा ही हो मल्टीपल एक्स सिंड्रोम किसे कहते हैं मल्टीपल एक्स सिंड्रोम किसे कहते हैं तो आप क्या लगाना ये जो आपका ये मल्टीपल एक्स वाला होता है ना ये सुपर फीमेल होता है अच्छा यहाँ से तो ये बेबी गर्ल हो जाएगी बेबी गर्ल यहाँ से बेबी बॉय हो जाएगा है ना इसमें टर्नर सिंड्रोम दिख रहा है क्या जिसमें लड़की बांझ रह, रह जाती है स्टेराइल रह जाती है है ना उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता नाटी रह जाती है टिंगनी रह जाती है तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम है है ना ये टर्नर सिंड्रोम में कई बार पूछा जाता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे एक सुपर मेल भी हम आपको बता देते हैं सुपर मेल सुपर मेल सिंड्रोम भी होता है जिसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं क्रीमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं जिसको जेकोब सिंड्रोम भी कहा जाता है जेकोब जेकोब सिंड्रोम भी कहते हैं होता है फोर्टी फोर प्लस एक्स अब जैसे लड़का बन गया है ना एक्स, एक्स, और एक y एक्स्ट्रा होगा इसके पास है ना एक y एक्स्ट्रा हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा है तो ये सुपर फीमेल हो जाएगा एक सामान्य शरीर की बात करें और टोटल गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछे है ना देखो डिप्लोइड द्विगुणित पूछे तो आपको लगाना है तेईस है ना चलिए लगा दिए सभी ने है है ना टोटल नंबर 46 हो जाएंगे नर गुण नर गुणसूत्र फिर से आपको बनाना अगर फीमेल कंपोजिशन फीमेल कंपोजिशन तो यानी कि बेबी गर्ल तो 44 फोर प्लस एक्सेस लगा देते होता क्या है बाविस प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स है ना 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स ये ओनली फीमेल फीमेल में तो सिर्फ एक्स ही होता है लेकिन मेल में दो possibilities होती हैं या या तो एक्स या फिर भाई। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो बेबी गर्ल हो जाएगी ये दोनों मिलेंगे तो बेबी बॉय हो जाएगा है ना y responsible फॉर मेलनेस वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस एंड एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस है ना याद रखेंगे चलिए तो ये तो आपका बेबी बॉय एक्स वाई हो जाएगा नवजात शिशु देखिए जो जेंडर डिसाइड होता है वो किसके क्रोमोसोम से डिसाइड होता है तो अभी अभी अपन ने देखा है ना मेल और फीमेल का जो कंपोजिशन है कि फीमेल में सिर्फ एक्स uh, क्रोमोसोम ही होता है मेल में क्रोमोसोम होता है और मेल में वाई क्रोमोसोम की वजह से ही है ना जेंडर डिसाइड होता है और आर एच एंटीजन आर एच एंटीजन पॉजिटिव होगा या आर एच एंटीजन नेगेटिव होगा ये भी डिसाइड कौन करेगा यानी कि फादर से ही डिसाइड होता है अगर फादर आर एच पॉजिटिव है तो संतान भी जो है आर एच पॉजिटिव होगी फादर आर एस निगेटिव है तो संतान भी आर एच नेगेटिव होगी ये भी याद रखेंगे हमने अभी अभी आपको ओटोजोम्स की संख्या याद करवाई थी किस में पाए जाते हैं सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं सोमेटिक कोशिकाएं यानी कि कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं कायिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे शरीर की काया बनती है है ना शरीर की काया बनाने वाले नाक आंख कान गले बाल हाथ पैर है ना आप कहते हैं ना कि इसकी आंखें तो मम्मी पे गई है इसके बाल तो पापा पे गए हैं है ना ऐसे आप बोलते हैं ना तो वो कायिक कोशिका से ही जो है यहाँ पर संतान अपने माता पिता जैसा दिखता है ये होते हैं टोटल पेयर में बाविस पेयर में कितने होते हैं बाविस और टोटल में कितने होते हैं चुम्बालिस याद रहेगा ना टोटल में कितने होते हैं फोर्टी फोर है ना फोर्टी फोर याद रहेगा ओटोजोम्स अच्छा एलोजोम्स की संख्या कितनी होती है एलोजोम्स एलोजोम जो है वो आपको जर्म सेल में मिलेंगे जर्म सेल किसको कहते हैं जनक कोशिकाओं को बोलते हैं जनक कोशिका किसे कहते हैं है ना जिसमें आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं है ना जिससे सेक्स या फिर द, जेंडर डिसाइड होता है ना इसको एलोजोम को एन से दर्शाया जाता है इसको टू एन से दर्शाया जाता है क्योंकि डबल होते हैं ना चलिए मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम बालक का जन्म करेगा बालक बोले तो मेल है ना मेन है ना यहाँ पे मेन लिखा हुआ है तो मेन मेन चाइल्ड यानी कि मेल चाइल्ड मेल चाइल्ड कहां से होना है ये तो अभी अभी किया था अपन ने कि फादर क्या होना चाहिए फादर बाविस प्लस y होना चाहिए और मदर तो ऑलवेज x ही होती है है ना तो ये हो जाएगा टोटल फोर्टी फोर प्लस एक्स और इस प्रकार से बेबी बॉय हो जाएगा है ना बेबी बॉय हो जाएगा चलो एक सेक्स लिंक डिसीज कौन सी होना चाहिए यानी कि जेनेटिक बीमारियां हमने देखा था ना जेनेटिक बीमारियां एक्स अधिकतर मोस्टली तो एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है है ना और ऐसा नहीं है वाई क्रोमोसोम की वजह से भी जो है आ, यहाँ पर सेक्स लिंग डिजीज हो सकती है, है ना और या तो महिला या तो पुरुष दोनों में से किसी का भी एक सो वाई क्रोमोसोम है ना हो सकता है एक क्वेश्चन अपन ने लगाया था ना अभी कल परसो कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे आता है उसको याद रखना <coughs> चलिए कलर ब्लाइंडनेस अच्छा इसमें ग्रीन कलर कैसा दिखता है ग्रीन कलर कैसा दिखता है इसमें <coughs> रेड कलर दिखता है ना ग्रीन इसमें तीन कलरों में दिक्कत हो जाती है ग्रीन रेड और वही हरा नीला आरजीबी आरजीबी इसमें समस्या हो जाती है रेड ग्रीन ब्लू में यहाँ पर समस्या देखी जाती है ठीक है रुको दो मिनट संतोष क्वेश्चन भेज रहा है संतोष लास्ट में भेज दिया करो चलो कोई बात नहीं अब आपने भेज दिए हैं तो उसको कर लेते हैं हम लास्ट में भेज दिया करो है ना लास्ट में भेज दिया करो देख लेते हैं चलो फ्यूल जो है फ्यूल अपने को किसमें माइमोसोरिडी माइमोसोइडी ग्रेमिनी मालवेसी या क्रूसीफेरी देखो फ्यूल जो है आ, हमें ईंधन 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 हमें ए लग रहा है यहाँ पर ए आंसर लग रहा है क्रूसीफेरी में कुकुम्बर हो जाएगा ग्रेमिनी में अनाज जा आ जाएगा है ना माइसो माइमोसोइडी ही इसका सही उत्तर है ठीक है रबर किससे प्राप्त होता है हीविया जो होते हैं, उस पर दोनों क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कार्बन डाइऑक्साइड का एटीपी का निर्माण जल का प्रकाश अवगठन पर्णित देखो ये होगा डी ऑप्शन जैसे ही आ, क्लोरोफिल पे प्रकाश पड़ेगा फोटोन के द्वारा जो है आपका क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा है ना वाष्पोत्सर्जन मापी पोटोमीटर हो जाएगा ठीक है लाल हरी वर्णांधता आ गया है आपका क्वेश्चन लाल हरी वर्णांधता के लिए चलिए लगाइएगा अच्छा क्वेश्चन है भी, बोल नहीं आया क्या देखो जरा आ गया होगा लाल हरी वर्णांधता देखिए हमने इसमें क्वेश्चन किया था ना इसमें फीमेल जो है वेक्टर होती है इसमें फीमेल वाहक होती है इसमें फीमेल वेक्टर होती है ठीक है इसका एक थ्योरी इसका एक पूरा का पूरा थ्योरी का वीडियो बना के यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे पूरा वर्णान्धता एक जो है कंसेप्ट होगा है ना कलर ब्लाइंडनेस अच्छा कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी सेल डेमेज हो जाती है अभी फिलहाल इतना ही क्योंकि ज्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा नहीं वर्णांधता को लेकर के ठीक है ना को लेकर के ज्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं फिर भी हम यूट्यूब हाँ, पर जरूरी है ठीक है आगे चलते सत्रह अप्रैल के आसपास अपन ने विश्व हीमोफीलिया दिवस पढ़ा था जो कि एग्जाम में आया था। है ना लगाइएगा ही एक जेनेटिक बीमारी प्रोटीन वर्ड किसने दिया ये तो हमने क्वेश्चन नहीं किया है ना इसको सर्च करना पड़ेगा बाकी अपन ने बहुत सारे शब्द किसने दिए वो तो देख लिए अब जो चीज नहीं पता उसको कैसे हम यहाँ पर एज्यूम करें उसको तो सर्च करना पड़ेगा है ना जॉन्स जेकोब ब्राजिलियस ऐसा लिखा हुआ आ रहा है है ना इन्होंने प्रोटीन शब्द जो है प्रपोज किया था 1838 में जो जेकोब बर्जिलियस है ना बर्जिलियस तो वही जो uh, कैटलिस की खोज भी की थी है ना चलिए तो खून का का नहीं जमता अच्छा खून के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा यहाँ पर आइसोटोप यूज होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो वही बर्जिलियस अपन ने देख लिया है ना हाँ बर्जिलियस ने सोडियम का भी नाम रखा था सोडियम नाम भी बर्जिलियस नहीं रखा है एकदम सही नेट्रियम नेट्रियम को ही सोडियम कहा जाता है नेट्रियम का आगे से एन उठा लिया चलिए तो यहाँ पर जो है सोडियम आयन अपने को याद रखना है है ना खून के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए ब्लड डिसऑर्डर बोल सकते हैं उसको मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को और किस नाम से जाना जाता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेहतर क्वेश्चन है लाल हरी वर्णांधता को और किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाएगा चलो तो प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया दोनों ही इसको टर्म करते हैं प्रोटोनोपिया भी इसको बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया भी इसको बोला जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन शिशु का पितृत्व यानी कि जैसे कि कोर्ट में लड़ाई होती है ना कि इस इस बच्चे का पिता मैं हूं है ना ऐसे लड़ाई होती कैसे चलते रहते चलिए तो ये कंफर्म करने के लिए कि बेटे का बाप कौन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारी हेल्प करने वाली है तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स चोरों का भी पता लगाएगी विवादित जनकता का भी पता लगाएगी है ना डीएनए फिंगरप्रिंट्स अच्छा इसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स डायग्नोस्टिक्स इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है हमने हेड क्वार्टर भी याद किया था इसका है ना कहा पर होना चाहिए एक तो सेल्युलर और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और डीएनए फिंगरप्रिंट्स दोनों का हैदराबाद में ही है है ना हैदराबाद चार मिनार ठीक है हैदराबाद अमरावती हो जाएगा तेलंगाना अच्छा हैदराबाद की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी ठीक है चलिए आगे चले ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन दिया है जोहानसन ने जीन का नाम रखा है है ना जीन शब्द किसने दिया है जोहानसन ने तो आज अपन ने प्रोटीन शब्द भी देख ही लिया कि भैया बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द दिया है वर्णंदता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है वर्णंदता कोई कलर ब्लाइंडनेस हो गया है किसी को है ना तो उसको जो है रेड ग्रीन दिखेगा है ना रेड ग्रीन दिखेगा और अगर एक वर्णांध पुरुष यानी कि कोई पहले से इन्फेक्टेड है है ना एक नॉर्मल फीमेल से वह विवाह कर ले नॉर्मल फीमेल सामान्य जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं था अब यहाँ पर जो संतानें होंगी उनमें वर्णांधता के लक्षण किसमें देखने को मिलेंगे विशाखापट्टनम ये क्या कहना चाह रहे हो आप चलो पुत्रियों के पुत्रों में होता क्या है कि पुत्रियां क्या होगी वाहक हो जाएंगी हमने एक्स क्रोमोसोम को रिस्पॉन्सिबल माना था है ना तो उनके जो पुत्र होंगे है ना वो भी इसके शिकार हो जाएंगे ठीक है एक अनुवांशिक बीमारी इसमें से पहचानी है ट्यूबरक्लोसिस अच्छा ये बैक्टीरिया वायरस किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है ना माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ठीक है चलिए अगेन कैंसर कैंसर क्या होता है समसूत्री विभाजन अननेचुरल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है ना हीमोफीलिया इज द राइट आंसर इज जेनेटिक है आंट अमीबा हिस्टोलिका से क्या हो जाएगा पैचिस आंट अमीबा हिस्टोलिका से पैचिस हो जाएगा हम्म <coughs> hmm. अच्छा एक बार फिर से प्रोटीन वाला क्वेश्चन चेक करें चलो बाद उसको लास्ट में चेक करेंगे फिर अपन अभी चेक किया था तो बर्जीलिय सारा था है ना डीएनए अंगुली छाप तकनीक <coughs> है ना तो ये किसका इस्तेमाल किसके लिए होगा बार बार लाइट क्यों जा रही है चलो तो ये डिस्प्यूटेड पॉपुलेशन है ना विवादित जनकता इज द राइट आंसर गुणसूत्र में होते हैं है ना चलो ये लगा दो गुणसूत्र में क्या मिलेगा आपको अच्छा क्वेश्चन है तो गुणसूत्र में क्या मिलेगा क्रोमोसोम में क्या मिलेगा एक बेहतर क्वेश्चन मिला है है ना लगाओ लगा दिया अच्छा इसी में अगर वो राइबोजोम पूछ लेता इसी में राइबोजोम पूछ लेता कि राइबोजोम में होता है राइबोजोम कंटेंस है ना क्या कंटेन करता है राइबोजोम तो आंसर क्या लगाते अमाइनो एसिड और आरएनए एकदम सही जवाब है आपका है ना तो अमाइनो एसिड बनाएगा आर है ना राइबोजोम चलिए तो डीएनए और प्रोटीन अभी अभी देखा था कि जो विकसित कोशिकाएं है होती हैं यू जो होती हैं है ना उनका डीएनए किससे जुड़ा होता है उनका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ यू सेल में होता है प्रो कैरियोटिक में नहीं होता हाँ बी डीएनए की खोज हुई थी वो वॉटसन की थी इसे अपन लगाते हैं क्वेश्चन तो आपने न्यूक्लियोजोम शब्द पढ़ा है क्या न्यूक्लियोजोम व्हाट इज न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोजोम क्या होता है हम आपको बता दें न्यूक्लियोजोम कुछ नहीं होता न्यूक्लियोजोम ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना जब इससे डीएनए जुड़ा होता है हिस्टोन प्रोटीन से जब डीएनए जुड़ जाता है ना तो उस उस कंपाउंड को या उस पूरे के पूरे मटेरियल को हम कहते हैं हैं याद रहेगा अभी पूछते आपसे किस किस को याद रह रहा है डीएनए अंगुली छाप तकनीक देखिए सोनू एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है नहीं तो क्वेश्चन दिमाग में सेट नहीं होगा है ना सेट अच्छा है एक बार करो हमेशा के लिए याद कर लो तो पेरेंट्स रेपिस्ट और थीफ है ना तीनों का पता लगाएगा जेनेटिक्स किसका अध्ययन है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है इसमें से लेमार्क ने क्या दिया था लेमार्क लेमार्क ने एक जो है थ्योरी दी थी यहाँ पर कौन सा थ्योरी दिया था बायोडेवलपमेंट <coughs> याद रखेंगे ठीक है और इसमें सेजुरेशन पृथक करण का नियम किसने दिया था <coughs> मेंडल ने दिया था ठीक है चलिए डीएनए की संरचना वॉटसन और क्रिक ने दी थी हेरिडेटरी और वेरियंस है ना वेरियंस यानी कि विचरण यानी कि जब तक विचरण नहीं होगा जब तक कैसे हम आगे ग्रो कर पाएंगे है ना नई नई स्पेशीज कैसे बनेगी उन सभी का अध्ययन जेनेटिक्स इसको वॉटसन वाटस, ने प्रपोज किया था इस ब्रांच को वॉटसन ने प्रपोज किया था चलिए अब हमने लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण करना है यानी कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन की वजह से आपका जेनेटिक है ना आगे बढ़ा वेरिएशन आया उसमें नई नई स्पेशीज आई जीन का सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव आया है ना जीन में जो है थोड़ा सा पूरा का पूरा एक डीएनए है ना इसको अपन जीन मान लेते हैं यहां से यहाँ तक के भाग को जीन मान लेते हैं अब ये क्या हुआ कि ये आपका हट गया और यहाँ से एक नया जीन आके जुड़ गया है या ना यानी कि इसकी कोडिंग चेंज हो गई इसका जो प्रोग्राम है वो चेंज हो गया अब जैसे ही प्रोग्राम चेंज हुआ तो म्यूटेशन आया समझ गए ना बात को उत्परिवर्तन हुआ ये जो आ, चेंज आता है ना ये वो ए टी जी सी समझ क्या बात को इनके ऑर्डर में चेंज आ जाता है इनके क्रम में चेंज आता है इसलिए जेनेटिक वेरिएशन आता है जिसको समझ में आया थम्स अप दबाव भैया जो नाइट्रोजीनियस बेस होंगे वो तो यही होंगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है है ना लेकिन इसके अरेंजमेंट में जो है चेंज होता है इसलिए म्यूटेशन आ जाता है टर्नर सिंड्रोम अभी अभी, अभी अपन ने देखा इसमें महिला बांध होती, होती है शरीर का विकास नहीं होता टिंगनी रह जाती है आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती बच्चों को पैदा नहीं कर सकती संतान को जन्म नहीं दे सकती कारण क्यों ये है कि ये खुद एक है ना एक्स क्रोमोसोम से ग्रसित है मतलब यहाँ पे ये पूरी की पूरी फीमेल नहीं बन पाई पूरी फीमेल तब बन पाती जब फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स होता लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि एक्स जीरो हो गया है यानी कि एक एक्स एक इसके पास कम है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पैतालीस इसलिए इसके पूरे शरीर का विकास नहीं हो पाया है ना इसमें अपन ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है एक एक्स एक्स्ट्रा है इन दोनों में से आप सुपर मेल बताइएगा <coughs> सुपर मेल सुपर मेल को हम क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं जेकोब सिंड्रोम क्योंकि यहाँ पे एक वहा एक्स्ट्रा है एक वहा एक्स्ट्रा होने की वजह से सुपर मेल बन गया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लंबा होगा है ना जो है एक ने निकलते रहेंगे मुहा से आते रहेंगे बड़ा सुंदर सा होगा अच्छा इसमें आ, यहां पर क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम बताओ यानी कि लड़का तो है लेकिन सारे गुण लड़कियों के हैं उसमें अदाएं लड़कियों की आ जाएंगी तो एक एक्स देखो अच्छा भला लड़का है लेकिन ये क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम होगा क्लीन फिल्टर लड़का होने के बावजूद लड़की यहाँ पे एक सुपर सुपर फीमेल बताइए सुपर फीमेल बताइए तो वो आपका मल्टीपल एक्स ही सुपर फीमेल है चलिए हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया है हिस्टोलॉजी शब्द किसने देना है हिस्टोलॉजी शब्द देखो हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है सबसे पहले तो अपन ये जाने इज अ स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यू

तो फोर टाइप्स सामने लिखा हुआ है ना इसमें सबसे ज्यादा प्रकार के पाए जाने वाले टिश्यू कौन से हैं सबसे ज्यादा प्रकार के पाए जाने वाले टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है 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 ना कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू मानव शरीर में सबसे ज्यादा देखो ना ब्लड बोन कार्टिलेज लिगामेंट टेंडन एडिपोइस है ना और हमारे जो है मसल्स जैसे कि हार्ट मस्कुलर टिश्यू से बना है है ना हमारे इसमें संवेदना सेंसेशन नर्व टिश्यू से होती है हमारे जो ऑर्गन बने ना ऑर्गन वो एपीथिलियल टिश्यू से बने जैसे कि स्किन स्किन एपीथिलियल टिश्यू से बनी है हमारा लंग एपीथिलियल टिश्यू से बना है हमारी किडनी एपीथिलियल टिश्यू से बनी है हमारी इंटेस्टाइन्स है ना स्मॉल और लार्ज ये जो है टिश्यू से बनी है हमारी किडनी है ना जो है एपीथिलियल टिश्यू से बनी है समझ रहे हैं तो थम्सअप दबाव है ना ये सब आपके टिश्यूज होते हैं एपिथिलियल टिश्यू होते हैं है ना चलिए घाव भरने वाला भी कौन सा होगा इसको सुरक्षा कवच भी कहेंगे इसको घाव भरने वाला भी कहेंगे आतिफ पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट मत करो सेट इंपोर्टेंट है बच्चों को पढ़ने दो एपिथील टिश्यूज है ना आपको ये याद रखना है स्कोम सब स्क्मस ये पढ़ते होती है लेयर पे लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथी लेयर है ना वैसे अपन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर को एपीडर्मिस भी तो बोलते हैं याद रहेगा स्किन की सबसे ऊपरी लेयर डर्मिस होती है बीच वाली डर्मिस होती है नीचे वाली हाइपोडर्मिस होती है हाइपोडर्मिस शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए एक रजाई का काम करते हैं है ना ये जानवरों में बहुत ज्यादा होते हैं आप देखते ना यार जानवरों को ठंड क्यों नहीं लगती है ना कुत्तों को गाय को भैंस को ठंड क्यों नहीं लगती है, है ना और हमारी स्किन तो वैसे ही पतली है बहुत ही थीन है है ना एडिपोज टिश्यूज की संख्या कम है लेकिन जानवरों की खाल मोटी होती है एडिपोज टिश्यूज की संख्या ज्यादा होती है है ना? होती है ना थिकनेस ज्यादा होती उनकी तो इनको ठंड नहीं लगती क्योंकि एडिपोज टिश्यू रजाई का काम करते हैं एडिपोज टिश्यू से ही मोटापा भी आता है इसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा जल्दी बताओ पसीना निकलेगा पानी निकलेगा यूरिया निकलेगा स्वेड्स है ना याद रखो <clears throat> चलिए सेबेशियस, सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है <clears throat> है ना ये ऑयल निकलता है यहाँ से तेल निकलता है तेल वाली ग्रंथिया तेल निकालने वाली ग्रंथिया <clears throat> ये आपको कहाँ पे मिलेंगी ये सेबेशियस ग्लैंड आपको कहाँ पे मिलेंगी तो ये वहीं मिलेगी जहां पे स्वेट ग्लैंड है ये वहीं मिलेगी जहां पर स्वेट ग्लैंड है <clears throat> कोई बात नहीं गड़बड़ हो गया है ना ये डर्मिस लेयर में आ गए ना हम चलिए तो मन की सबसे मोटी ये इसको है ना तलवा कर लीजिएगा है ना तलवा यानी कि अपनी जो एडी है ना एडी इसको एंकल बोन कहते हैं अच्छा एंकल बोन किसे कहते हैं एंकल बोन एंकल बोन किसे कहते हैं टार्सल या कार्पल क्या लगाओगे टार्सल या कार्पल टार्सल है ना टार्सल लगाना एडी एंकल बोन अच्छा कितनी हड्डियां होती है यहाँ पे सात हड्डियां होती है ना टार्सल और रिस्ट बोन किसे कहते हैं कार्पल रिस्ट बोन कार्पल होती है कलाई में आठ हड्डियां होती है है ना इसमें आठ होती है लेकिन पैर की एडी में सात इसलिए होती है क्योंकि एक पट्टे लायक घुटना होता है ठीक है हमारी जो आईलिट्स होती है ना आईलिट्स पल के वो सबसे पतली है ना लेयर है आपकी स्किन की लेक्राइमल ग्लैंड क्या यहां पर सीक्रेट करती है <coughs> लेक्राइमल है ना ये हमारी आईलिट्स के तुरंत पीछे की तरफ होती है है ना तुरंत पीछे की तरफ होती है यहाँ से है ना क्या निकलेंगे टियर्स है ना इनको टियर ग्लैंड कहते हैं और टियर ग्लैंड किसमें नहीं होती घड़ियाल में खोल दिया तो है हमने देखो विवेक सुजीत भारती है ना सबने लगाया भी है कोई बात नहीं फिर से लगा दो तो घड़ियाल अपन ने क्वेश्चन किया था ना क्रोकोडाइल घड़ियाल मगरमच्छ इसमें टीयर ग्लैंड नहीं होती टियर ग्लैंड नहीं होती इनमें है ना इसीलिए इन पर कहावत बनी है कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ क्योंकि मगरमच्छ में तो लेकर ग्लैंड होती नहीं है बुढ़ापे में त्वचा तो में झुरियां पड़ जाती है है ना जिसे अपन दादा नानी की स्किन देखते हैं तो लटक जाती है इसे अभी अपनी स्किन तो बढ़िया है फ्लेक्सिबल है है ना चलिए तो यहाँ पर अभी हमारी स्किन तो टाइट है फ्लेक्सिबल है है ना अभी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है अपने शेप साइज को रीगेन कर लेगी लेकिन दादी नानी की स्किन ऐसे लटक जाती है झूल झूल जाती है झूला जूल लो उस पे। कारण यह है कि लचीलापन कम हो जाता है आपकी स्किन की ठीक मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है जल्दी जल जल्दी लगाओ है ना फटाफट जल्दी जल्दी लगाइए तो सबसे लंबी अच्छा सबसे बड़ी कौन बताएगा सबसे बड़ी कौन बताएगा सबसे लार्जेस्ट कौन बता रहा है तंत्रिका की उतक की इकाई क्या है <coughs> हाँ अंडाणु सबसे बड़ा है शुक्राणु सबसे छोटा है अंडाणु ओवम ओओजेनेसिस ओ जेनेसिस ओवम के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्माटोजेनेसिस स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया न्यूरोन इज द राइट आंसर है ना चलिए आगे चले संवेदना का चालन किससे होना है <coughs> है ना तो हमारे अंदर क्या आयन होते हैं <coughs> सोडियम आयन पोटेशियम आयन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं है ना पोल नहीं आया आज क्या बात है पोल को क्या हो रहा है तो सोडियम आयन पोटेशियम आयन है ना न्यूरो जो केमिकल होता है है ना उसकी सहायता से जो है संवेदनाएं जाती हैं और ये सारा का सारा सेंसेशन आयन के माध्यम से है ना यह आपके नर्वस टिश्यूज में होता है हाँ पता नहीं आज पोल को क्या हो रहा है इसमें घाव भरने वाले सुरक्षा कवच कौन से हो जाएंगे जल्दी बताइए

मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं जैसे कुछ ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन है जैसे हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है उसमें हड्डियां नहीं होती लिगामेंट एक रचना है जो किसको किससे जोड़ेगी <coughs> तो देखो लिगामेंट टेंडन टेंडनर एडिपोइस ब्लड बोन कार्टिलेज ये सब कनेक्टिव टिश्यू है सारे हमने आपको बता दिया है ना ये शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करते हैं इसलिए इनको कनेक्टिव कनेक्शन बनाने वाला कहते हैं तो ये बोन को बोन से जोड़ेगा और टेंडन क्या करेगा टेंडन वह बोन टू मसल्स ठीक है ऊंट का जो कुबड़ होता है सांड का कुबड़ ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है ऊंट का कुबड़ सांड का कुबड़ किससे बना होता है है ना तो आप देखते हैं अभी वो एक सांड पे बैठ के वो एक व्यक्ति वायरल हो गया था सांड पे बैठ के गलियों में दौड़ लगा रहे महाकाल की जय ऐसा बोलता जा रहा है ना वायरल हो गया था ना <laughs> तो उस, उसने कुबड़ पकड़ रखा था उसका तो वो एडिपोज टिश्यू का बना कैलाश पति नाथ की जय <laughs> और इसे कॉलोनी में घूम रहा है वो। <laughs> चलिए इसमें चिकनाई होती है उसका प्रयोग करके ऊंट कई दिनों तक जो है बिना पानी पिए रह सकता है मोटापा मोटापा किससे बढ़ता है <clears throat> देखिए आपके अगर पेट के आसपास चर्बी जमा हो गई है, है ना तो वो इसी से जो है पेट आपका मटकी जैसा दिख रहा है है ना ये कौन से टिश्यू होते हैं ये पीले कलर के जब भी अपन डायग्राम देखते हैं ना तो इन टिश्यूज को येल्लो कलर में दिखाया जाता है येल्लो कलर है ना अच्छा ममेली ममेरी ग्लैंड समझ रहे हो ममेरी ग्लेंड? ममेरी ग्लैंड ग्लैंड में भी जो है कौन से टिश्यूज होते हैं एडिपोइ टिश्यू ही होते हैं समझ गए चलिए एडिपोइ टिश्यू अः इसी से मोटा पाता है निम्नलिखित में से कौन सा उतक का एक उदाहरण है उतक का एक उदाहरण है तो टिश्यू हम टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी करते हैं हिस्टोलॉजी के फादर कौन है हिस्टोलॉजी के फादर कौन है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपिघी मार्सेलो मेलपिघी हिस्टोलॉजी के फादर हैं याद रखो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये तरल संयोजी तक है ना सोनम और आतिफ क्या बात है और किसी के पास भी पोल नहीं आएगा अच्छा उज्जैन की वीडियो देखी थी आया है चलो ठीक है बायोप्सी व्हाट इज बायोप्सी बायोप्ती में क्या होता है जिसे मान लो कि शरीर में कोई रोग हो गया कोई बीमारी हो गई है ना जैसे कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था तो कोरोना में तो आपको टिश्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी बायोप्सी क्या होता है जिसे मान लो कोई रोग हो गया कोई घातक बीमारी हो गई जैसे कैंसर की बात कर लो अपन है ना तो वहां से एक हल्का सा टिश्यू एक ऊतक काटा जाता है इसे कटिंग करते हैं फिर उसको लेब में ले जाते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं है ना माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि ये टिश्यू जो है इसमें कौन सी बेकार की सेल है कौन से जम्स पड़ गए हैं या क्या इसमें दिक्कत है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है देखिए क्लास एकदम फैंटास्टिक चल रही है और हमारा मोबाइल हमारे सामने है <coughs> एकदम क्लियर है कुछ भी बफ वफ नहीं हो रहा शायद बारिश की वजह से नेटवर्क में गड़बड़ होगी इसलिए बफ हो रहा होगा है ना बाकी तो सब ठीक ठाक है यहाँ से है ना अगर हमारे मोबाइल में बफ हो गया मतलब सब दूर बफ हो गया है ना फिर हम रिफ्रेश कर लेंगे <laughs> चलिए आगे चलें तो एक टिश्यू निकाल लो अलग से उसकी जांच करो है ना फादर ऑफ हिस्टो हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपिगी याद रखेंगे अब देखिए मास्ट सेल कहां पे होती है? ये हमारी स्किन में होती है मास्ट सेल है ना चलिए लगाइएगा अब हमारी स्किन कौन सा टिश्यू है हमारी स्किन कौन सा टिश्यू है मास्ट कोशिकाएं मास्ट सेल होती है हमारी स्किन में और हमारी स्किन कौन सा टिश्यू है हमारा स्किन मस्कुलर टिश्यू है क्या <ंग> नहीं हमारा स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बना है है ना और उसे हम देखते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कनेक्शन टिश्यू होते हैं हाँ चलिए इसको आप याद रखें तो स्किन देखो सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है अगर अपन देखें सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू भाई टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं स्किन ने हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखा है स्किन इतना बड़ा टिश्यू है कि पूरा शरीर जुड़ा हुआ है एनवल लिफाफा है ये हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन को पैक कर रखा इसने। है इसने हेवर सीन तंत्र किसमें पाया जाता है, है सीन तंत्र किसमें मिलेगा लगाओ दो मिनट रुकना है ना है ना तो हेवरसीन किस में पाया जाएगा हेवरसिन स्तनों की अस्थियों में ये बोन्स में पाया जाता है बोन्स है ना ये हड्डियों में पाया जाता है बोन्स में पाया जाता है हड्डियों में ये मिलता है ठीक है इसको याद रखो नहीं पोल रोंग नहीं है संतोष पोल एकदम सही है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कौन सा है फेफड़ों को ढकने वाला इसी में हृदय को ढकने वाला हृदय को ढकने वाला हृदय को ढकने वाला भी है इसमें पेरिकार्डियम फेफड़ों को ढकने वाला प्लूरा है ना आपने वो बीमारी सुनी है कि पसलियों में पानी भर जाता है पसली में पानी भर गया हिंदी में बोलते हैं पसली में पानी भर गया लो भैया पसली में पानी भर जाता है तो पसली में जो पानी भरता है ना वो यही है प्लूरा फ्लूड क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है प्लूरा फ्लूड की करीब डेढ़ सौ एम होता है ये है ना नॉर्मली तो डेढ़ सौ एम होता है लेकिन अगर इसकी कुछ इन्फेक्शन की वजह से ये ज्यादा हो जाए तो फेफड़े फूलने लगते हैं आउटर लेयर में ये पानी जैसा होता है है ना तो इसी को बोलते हैं दांत किसके बने होते हैं दांत किसके बने होते हैं हाँ आपका कमेंट पढ़ते हैं रुको दांत किसके बने होते हैं दांत किसके बने होते हैं ये है? क्या है सेल को सेल को जनरेट करने वाला सिस्टम है जो सिस्टम uh, है वो बोन्स में होता है सेल को जनरेट करने वाला होता है वो सिस्टम है ना एक बार उसको पूरा का पूरा का देखेंगे नहीं इनेमल नहीं आएगा दांत डेंटाइन के बने होते हैं दांत दंत धातु के बने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए ना दांत किसके बने होते हैं दंत धातु के अगर आपसे पूछे कि दांत का ऊपरी शिखर या दांत का या मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है अगर ये पूछे सबसे हार्डेस्ट जो है पार्ट कौन सा है फिर आप इनेमल लगा सकते हैं एपेक्स फॉर्म ऑफ टीथ ऐसा बोलते हैं इसको दांत का ऊपरी शिखर इनेमल का बना होता है इनेमल लेकिन जो जो अंदर से दांत है ना अंदर से दांत वो डेंटाइन का बना होता है याद रहेगा डेंटाइन के ऊपर इनेमल है ना समझ गए याद रहे दांत का शिखर लो आगे आपका क्वेश्चन हम फिर से आपको रिपीट करते हैं जैसे दांत कुछ इस प्रकार से होते हैं है ना इस प्रकार से दांत होते हैं तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो है डेंटाइन ये तो है दंत धातु डेंटाइन डेंटाइन दांत के बने होते हैं लेकिन उसके ऊपर एक लेयर मिलेगी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आप अपने दांत को ध्यान से देखना कांच में घुस करके दांत को ध्यान से देखना ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट होती है ट्रांसपेरेंट ये ऊपर वाली जो लेयर होती है <coughs> है ना तो ये इनेमल होता है इनेमल है ना कैल्शियम फास्फेट तो इसका मेन कंपोनेंट है ही रिफ्रेश करें हमारे मोबाइल में तो एकदम शानदार जबरदस्त क्लास चल रही है चलो रिफ्रेश कर लेते हैं है ना रिफ्रेश कर लेते हैं चलो हमने रिफ्रेश कर लिया है ना अब दिक्कत नहीं आना चाहिए है ना यहाँ से तो एकदम ठीक ठाक चल रही है हमारे मोबाइल में क्लास कोई बात नहीं अच्छा ये जो नाभि रज्जु होता है ना ये वही प्लेसेंटा से जो गर्भ ना इसको नाभि होता है ना, हो ना? हो ना? नाभि अच्छा ना? <coughs> चलिए तो इसको प्रोढ़ संयोजी ऊतक टर्म किया जाता है अब देखो कोशिका की मौत हो गई अच्छा ना कैसे हो सकती है या तो आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाएगी मतलब रगड़ लग जाए घर्षण के कारण हमने आपको याद करवाया था अच्छा कौन सी डब्ल्यू सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एसिनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट लिम्फोसाइट है ना तो न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाए जाने वाली डब्ल्यू है और डब्ल्यू की कमी हो जाए तो न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, है ना और ये हो जाएगा नेक्रोसिस अचानक सेल मर गई कैसे मर सकती है चोट लग जाए आग लग जाए सेल की मृत्यु हो जाती है अचानक टिश्यू मर जाते हैं उसको अच्छा काम नहीं कर किडनी काम नहीं कर रही नेफ्रोन काम नहीं कर रही किडनी काम नहीं कर रही कि नियोप्लेसिया नहीं पड़ा है अपन ने इसलिए ये इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हाँ तो नेफ्रोन ठीक से काम नहीं करेंगे डायलिसिस करवा लो पूरा किडनी फेलियर ही हो गया है तो किडनी चेंज करा लो तो नाखून खुर और सींग और बाल और स्किन में क्या मिलेगा आपको है नख खुर सिंग जो सिंह होते हैं है ना चलिए इसमें कीरेटिन मिलेगा है ना कीरेटिन कीरेटिन एक होता है केरोटीन केरोटीन अलग होता है कीरेटिन अलग होता है दोनों में अंतर है कीरेटिन 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 एक होता है काइटीन है ना इन तीनों में अंतर है अरे काइटिन तो काइटिन तो वो होता है फंजाई की सेल वॉल कवक की सेल वॉल होती है है ना और केरोटीन तो प्रोटीन होता है केरोटीन इज प्रोटीन दूध का पीला रंग है ना दूध का पीला रंग केरोटीन चलिए एक होता है कोडीन कोडीन हीरोइन मॉर्फिन कोडीन ये अफीम में मिलेगा है ना अच्छा हमें ये कैसे पता चला कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे या चिंपांजी हुआ करते थे गोरिल्ला हुआ करते थे औरंग टून थे है ना हमारे पूर्वज ये ऐसे पता चला आर एच फैक्टर की वजह से है ना क्योंकि जो आर एच फैक्टर हम ह्यूमन में है वो बंदर के अलावा और किसी में भी नहीं देखा गया है रीशस मेके क्यू रीशस मेके क्यू किस साइंटिफिक नेम है रीशस मेके क्यू बंदर का साइंटिफिक नेम है है ना इसलिए हमें पता चला कि जब इवोल्यूशन हुआ है ना तो हमारे हमारी जो प्रजाति है वो बंदरों से आई गोरिल्ला अपना जो है पूर्वज कहलाता है जन्म के बाद मानव के ऊतक में कोई कोशी का विभाजन नहीं होता देखो हमने आपको याद करवाया था ना इसमें सेल डिवीजन नहीं होता इसमें सेल डिवीजन नहीं होता और ये अः अपने को रिजनरेट नहीं कर सकती क्योंकि जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो रिजनरेट कैसे होगा है ना तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा नर्व सेल है ना ब्रेन ब्रेन की जो नर्व सेल है है ना वो रिजेनरेट नहीं करती तो फिर अगर ये सेल डिविजन नहीं होता तो बनाता कौन है नर्व सेल को तो आप क्या लगाएंगे है ना आप दो क्वेश्चन याद रखेंगे एक तो आर्टिफिशियल ऑर्गन आर्टिफिशियल ऑर्गन कृत्रिम अंग और जो नर्व सेल होती है वो स्टेम सेल बनाती है है ना अगर एग्जामिनर पूछे कि नर्व सेल कौन बनाती है स्टेम सेल बनाती है या आपसे पूछे कि कृत्रिम अंग यानी कि आर्टिफिशियल ऑर्गन क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन भी बना लिए इंसानों ने इतनी उन्नति हो गई है क्लोन भी बना सकता है वो आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया जार्विक सेवन आर्टिफिशियल किडनी बना दी आर्टिफिशियल स्टमक बना दिया है ना वो स्टेम सेल से बनता है 90 देखो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक लिक्विड है है ना लिक्विड पार्ट है और सोलिड पार्ट की बात करें तो ब्लड कार्प्यूस्कल सोलिड पार्ट है हम पूरे ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पड़ते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा 55 होता है ना 55 55 और ब्लड कार्क्यूसल्स पैतालीस परसेंट होते हैं वहीं पे प्लाज्मा में नब्बे से बानवे परसेंट तो आपको वाटर मिलेगा छह से आठ परसेंट आपको प्लाज्मा में प्रोटीन मिलेगा यहाँ पे प्रोटीन में फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्ब्यमिन और ग्लोबुलिन है ना एलब्यूमिन ऑस्मेटिक प्रेशर और ग्लोबिलिन इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में याद रखो है ना आपकी इसमें क्लास नहीं चल रही और किस किस की इसमें क्लास नहीं चल रही भैया क्या दिक्कत हो रही है यहां से तो एकदम चकाचक है मामला नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया यहां से तो एकदम बिंदास मोबाइल का प्रोसेसर कौन सा है आपका कम से कम चार जीबी रैम वाला मोबाइल तो रखो हो सकता है कई बार आप अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा स्टोरेज रख लेते हैं कई बार उससे भी प्रॉब्लम होती है ठीक से एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करती स्टोरेज ज्यादा है है ना कभी कई बार ऐसा भी आई यूस सिक्स जी वी लो सब अपना कंफ्यूजन बता रहे हैं चलिए नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दिया था डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी अनुवांशिकता का नियम किसने दिया अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लिया जाए एक घंटा हो गया है, है ना है ना यहां से एकदम ठीक-ठाक चलिए जल्दी लगाओ मेंडल इज द राइट आंसर फटाफट डीएनए का जो है यहां पर प्रतिपादन किसने किया प्रतिपादन बोले तो कृत्रिम डीएनए किसने बनाया ये क्वेश्चन ऐसा है कि कृत्रिम डीएनए किसने बनाया है एक आर्टिफिशियल डीएनए बना दिया बताओ डीएनए डीएनए में तीन प्रकार के पदार्थ हैं याद है ना सभी को एक तो नाइट्रोजिनियस बेस पेयर है ना नाइट्रोजिनियस बेस इसके बाद पंच कार्बन शर्करा पेंटो शुगर, पंच कार्बन शर्करा और फिर फास्फेट ग्रुप याद रहेगा ना फास्फेट ग्रुप फास्फोरस जिसमें होता है इन तीन चीजों से मिलकर आपका डीएनए तैयार हो जाता है कॉर्न ने बनाया था कृत्रिम डीएनए कार्न बर्ग ने बनाया था प्लोमान जीन है ना ये किसने दिया था प्लोमान जीन अच्छा क्वेश्चन है किसने दिया था लगाओ देखिए प्लोमान यानी कि प्लवन कर गया एस्केप कर गया ट्रांसफर कर गया जंप कर गया बारबरा और टॉक, है ना बारबरा और टॉक ने दिया समझ गए क्या <स्थिक्षा> कोई दिक्कत कोई शक कोई शक नहीं <स्थिक्षा> आगे चले फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक कौन है फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक कौन है फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक कौन है क्लास को बंद करके चालू कर सकते हो क्लास को बंद करके चालू कर लो यहां से एकदम ठीक है मामला कोई बात नहीं ये याद नहीं रख पाते अपन फिलो, फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक लेमार्क हैं ये बायोडेवलपमेंट भी इन्होंने दिया है बायो डेवलपमेंट भी इन्होंने ही दे देना है, है ना फिलोसॉफी जूलॉजी जीवाणु की खोज किसने की है जीवाणु की खोज किसने की है जीवाणु की खोज किसने की लिवन हॉक ने की है ना रॉबर्ट ने सेल की खोज की है एक लिविंग सेल की खोज किसने की है लिविंग सेल लिवन होक है ना फादर ऑफ इनको इसीलिए बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है ना ठीक रॉबर्ट ने लुइस पाश्चर ने रेबीज खोजा है ना चलिए हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था <coughs> लगा दो एंटोनी वॉन लेवोसियर कौन है एंटोनी वॉन लेवोसियर एंटोनी वॉन लेवोसियर कौन है एंटोनी वॉन लेवोसीर ज्यादा रहा है कुछ हल्का-फुल्का एंटोनी वॉन लेवोसियर ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है <laughs> फादर ऑफ केमिस्ट्री मास कंजर्वेशन दिया था इन्होंने चलिए कोई बात नहीं चिकित्सा है ना संपूर्ण जेनेटिक खोज के लिए नेचुरल सिलेक्शन अगेन वही क्वेश्चन <coughs> है ना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है मेनी मेनी टाइम्स म्यूटेशन किसने दिया म्यूटेशन उत्परिवर्तन कई बार आया ह्यूगो <coughs> डिब्रिज बायो डेवलपमेंट किसने दिया बायो <coughs> डेवलपमेंट फिलोसॉफी जुलोजी बुक के लेखक लेमार्क है ना मेंडल ने दिया है ना नेचुरल सिलेक्शन विकास का सिद्धांत डेवलपमेंट थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन डार्विन चार्ल्स आएगा है ना चार्ल्स चार्ल्स डार्विन डार्विन आएगा मेंडल ने तो सेजन प्रथक का नियम दिया तो नेचुरल सिलेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी अभी अभी तो किया था अपन ने है ना इससे तो इसको अच्छा इससे तो इसको ब्लड प्रेशर मापेगा या हार्ट हार्ट बीट सुनने वाला यंत्र है या सांसों की गति को मेजर करेगा ब्रीथिंग ब्रीथिंग को मेजर करेगा क्या लगाओगे तो इसको ब्लड प्रेशर हार्ट बीट या ब्रीथिंग हार्ट बीट स्टेथोस्कोप तो से हृदय गति सुनी जाती है है ना लेनी ने इसकी जो है खोज की थी लेनी सोबिन ने तो वैक्सीन खोजा था जॉन ई शोल और सोबिन ने पोलियो टीका और ड्रॉप वाला वैक्सीन खोजा था एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर की अगर अपन बात करें <coughs> तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा स्मॉल पॉक्स कर लीजिएगा स्मॉल पॉक्स है ना मिनी माता को चिकन पॉक्स भी बोल, इसमें साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा बहुत आता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये इसके लिए विडोल टेस्ट होता है विडोल टेस्ट टाइफाइड है ना बहुत आता है गंदा पानी दूषित पानी मक्खी मत बैठने दो मक्खी भी लेके आती है चलिए तो ये स्मॉल पॉक्स हो जाएगा पहली बार ब्लड सर्कुलेशन सोलह की बात है ये सन सोलह बहुत पुरानी बात है है ना तो सोलह में सबसे पहले दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है ओपन और क्लोज मनुष्य में कौन सा होता है खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र जो धमनी और शिरा में होता है ना जो ऑर्ट्रीज और, और वेन्स में होता है वो बंद परिसंचरण होता है और जो ऐसे ट्रेकिया ट्रैक्स ओपन सर्कुलेशन इंसेक्ट में होता है ना चलिए विलियम हार्वे आपको याद रखना है ने तो जो है कौन है फादर ऑफ है ना रोनाल्ड रोस मलेरिया विधायक को पहले सबसे पहले ट्रांसप्लांट कर दिया था है ना अरे झगड़ा मत करो एलाइसिया आतिफ है ना चलिए तो क्रिश्चियन बर्नार्ड लुइस पास्टर ने पास्चुराइजेशन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्टर को कहा जाता है विलियम हार्मे ब्लड सर्कुलेशन डीएनए की संरचना के लिए उन्नीस में नोबल प्राइज किसको मिला था 1950 1962 इनको तो नोबल प्राइज मिले थे ना और आ, 1953 में जो है मॉडल आया था बी डी उसको कहा गया था बी डी है ना चलिए तो वॉटसन और क्रिक ठीक है याद रखो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन मेघनाथ साहा तापी आयन सिद्धांत है ना थर्मल आई आए, आयनाइजेशन थर्मल आयनाइजेशन मेघनाथ साह भारतीय हमारे है ना स्टीफन हॉकिंस टाइम थ्योरी विकास का सिद्धांत अभी अभी किया था बनने नेचुरल सिलेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी जल्दी लगा लो 200 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बन तो ये आपका जो है डार्विन ने दिया एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी पॉलिटिकल साइंस है ना एरिस्टोटल हो जाएंगे लुइस पास्चर फादर ऑफ लुइस पास्चर रेबिस का वैक्सीन लुइस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ठीक है इसमें से ऐसा किसने कहा था कि सभी जीव और सभी पेड़ पौधे कोशिका से बने कोशिका से बने यानी कि सेल थ्योरी सेल थ्योरी किसने दी थी सेल थ्योरी ये कहती है कि आपके प्लांट भी कोशिका से बने हैं सेल से बने हैं एनिमल भी सेल से बने हैं। इनका कंपोजिशन सेल से है, है ना तो स्लाइडन क्या करते थे वो आ, प्लांट की स्टडी करते थे स्लाइडन प्लांट की स्टडी करते थे श्वान एनिमल की स्टडी करते थे है ना इन दोनों को पता लगा कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं स्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दे दी कि लो भैया हम सेल थ्योरी दे रहे हैं सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सेल से बने है ना सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सेल से बने हैं ठीक है चलो आप एक जोड़ी मिलाइए आपको एक जोड़ी मिलाना है रुको पहले हम मिला ले चलो लगाओ तो एक जोड़ी अगर अपन यहां पर मिला रहे हैं है ना तो हमने देखा था ना अभी प्लाव्मान, प्लाव्मान जीन, जंपिंग जीन, इसको ट्रांसपोसोन के नाम से जाना जाता है जंपिंग जीन को ट्रांसपोसोन क्योंकि ट्रांसफर कर जाता है ना ये ट्रांसपोसोन के नाम से इसको जाना जाता है कई बार ये क्वेश्चन आता है अरे भैया बार और मैकलिंग टॉक तो आएगा ना अभी तो किया था जंपिंग जीन सी का दूसरा आएगा है ना बाकी तो सब आसान है रेगुलेटरी जीन जेकब और ने दिया था डीएनए स्ट्रक्चर और क्या किया कि हम एक हेरिडेटरी जितने भी सब्सटेंस जी है जितने भी क्या एक ही तो होता है डीएनए होता है ओनली डीएनए हमारे अंदर जो है ओनली हेरिडेटरी सब्सटेंस डीएनए ही है।, है ना तो हेरिडेटरी को इन्होंने एक ब्रांच में जो है पढ़ना चाहा प्रपोज किया कि एक ब्रांच अपन बनाते हैं है ना जिसमें हम अनुवांशिक पदार्थों का ही अध्ययन करेंगे तो कहने का मतलब यह है कि अनुवांशिकी एक नई ब्रांच सामने आई और इस ब्रांच को प्रपोज किया था वॉटसन ने नाम भी इन्होंने ही दिया था ठीक है जेनेटिक्स आपको याद रखना फादर नहीं पूछ रहा है जो आप मेंडल लगाएंगे फादर ऑफ जेनेटिक नहीं पूछा है वो ऐसा पूछ रहा है कि एक ब्रांच को प्रपोज किसने किया है तो वो वॉटसन ने प्रपोज किया जेनेटिक्स ब्रांच को प्रपोज किया चलिए जोसेफ लियस्टर कुष्ठ रोग जोनी शॉल पोलियोकाटिका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज इसमें से कौन सा एक गलत है इनकरेक्ट है सुमेलित नहीं है नॉट करेक्टली मैच डिस डिस मैच है <coughs> है ना तो जोसेफ लियस्टर ने प्लास्टिक सर्जरी या जिसको आप एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं <coughs> है ना <coughs> माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की कितनी बार सर्जरी कराई चेहरे की नहीं उसने तो अपने पूरे शरीर की सर्जरी कराई थी वो बहुत काला था उसके बाद वो बहुत गोरा हो गया तो ये एंटीसेप्टिक जो है जानते हैं हैंसन। हैंसन ने इसकी खोज की थी डिसीज लिप्रेसी को कहते हैं अपन है ना तो बाकी सब सही है ना आगे चलें आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी हमने आपको अभी पिछला क्वेश्चन बताया कुछ लोग के लिए हेनसन आप याद रखेंगे है ना कुछ लोग के लिए आप हेनसन याद रखेंगे और सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे रेगुलर रहेंगे है ना सारे क्वेश्चन याद करा देंगे अगर आप अपने दिमाग और कान की खिड़कियां खुली रखेंगे जोसेफ लियस्टर एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी स्मॉल पॉक्स है ना स्मॉल पॉक्स लुइस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना रेबीज वैक्सीन दूध को गर्म करो जम्स मर जाएंगे जम थ्योरी इन्होंने दी थी विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन लुइस ने किसकी खोज की थी तो लुईस पास्चर ने जो है रेहबडो वायरस रेहबडो रेहबडो वायरस चला जाता है कुत्ते के काटने से डॉग बाइट ने से रेहबडो वायरस चला जाता है जिससे हाइड्रोफीबिया बीमारी हो जाती है हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी हो जाती है, है ना और बच्चा भोगने लगता है बच्चा पानी से डरने लगता है उसको रेबीज के वैक्सीन लगते हैं फिर है ना <coughs> चलिए बेंटिंग बेस कृत्रिम इंसुलिन पोलियो जोनिश है ना पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहला एंटीबायोटिक जो है वह किसने खोजा था और जो पहला एंटीबायोटिक था वह फंजाई से तैयार किया गया था वह कवक से तैयार किया गया था हमने एलएसडी पढ़ा है एलएसडी

एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं है ना वही एंटीबायोटिक होते हैं और अगेन वही क्वेश्चन आया है देखिए एंटीबायोटिक शरीर में बैक्टीरिया को किल करते हैं ग्रोथ को रोकते हैं एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती है वो शरीर के ताप को कम करती है बुखार को कम करती है है ना फीवर को कम करती है एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवाएं पेन किलर होती है एनाल्जेसिक दवाएं दर्द निवारक होती है पेन किलर होती है ना उसके बाद एंटीसेप्टिक दवाएं शरीर के बाहर से होने वाले संक्रमण को रोकती है जैसे सैनिटाइजर आइडोफॉर्म लगा लिया आपने है ना एथेनॉल आपने लगा लिया चलिए तो पेनिसिलिन एलेक्सेंडर फ्लेमिंग आपका जो है आंसर सही होगा लुइस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूमेन हॉक जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी है ना एलेक्सेंडर फ्लेमिंग पहला कवक से तैयार किया था बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है <coughs> बायोलॉजी के भी यही है जूलॉजी के भी यही है पॉलिटिकल साइंस के भी यही है, है ना <coughs> इन तीनों के फादर एरिस्टोटल ही है ठीक <coughs> है थियोफ्रेटस बोटनी के हो जाएंगे जूलियस हेक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है है ना जिसमें अपन लिक्विड और सॉलिड पढ़ते हैं है ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं लेमार्क फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक बायो डेवलपमेंट लेमार्क ने दिया है है ना मलेरिया है ना देखो अपने इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी पहले फॉरेनर इंडिया में इसलिए नहीं आते थे इंडिया में मलेरिया बहुत होता था तो एक वैज्ञानिक हुए रोनाल्ड रोस है ना उन्होंने आ, कहा कि मलेरिया होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है और फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो इसकी वाहक है इसकी खोज भी रोनाल्ड रोस ने की थी 1930 में सीवी रमन स्केटरिंग के लिए नोबल लेते हैं और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज करते हैं मैक्स प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट याद है एनर्जी बटे में फ्रीक्वेंसी ऊर्जा बटे में आवृत्ति ही मैक्स प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है लिप्रेसी अभी अभी याद करवाया था हमने कुष्ठ रोग है ना लिप्रेसी बैसिलम, लिप्रेसी बैसिलम, कई बार इसको माइको बैक्टीरियम लेपरी भी कहा जाता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और आप इसे लगाइए हैंसन रोग इसको कहा जाता है रॉबर्ट कोच ने हेजा कोलेरा वैक्सीन खोजा था है ना विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन एलेक्सेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन और एक जोड़ी मिलाइए चलिए लगाइए देखिए तो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे तो इन्होंने जो है आ, पहला पेनिसिलियम पेनिसिलियम नाम से ही वो आ, आपका कवक था है ना लेकिन आप याद रखें अधिकतर मोस्टली बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं इसको याद रखने का तरीका लोहा लोहे को काटता है बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया को किल करेंगे अधिकतर मोस्टली अधिकतर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं लेकिन फंजाई से भी तैयार किए जाते हैं जिससे पहला फंजाई से तैयार हुआ था है ना? तो आपका डी का क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। जैसे ही D का दूसरा मिला बाकी सारे सारे कट गए। हम यही ढूंढते हैं। हैं, हैं जब भी जोड़ी वाला क्वेश्चन करते elimination method यूज करते हैं कि कोई सा एक मिल जाए, बाकी सारे eliminate हो हो का पहला हो जाएगा। Landisner, इन्होंने पेनिसिलिन जा जा और एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीनेशन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ब्लड ग्रुप खोजे गए थे <coughs> है ना? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इन्होंने ही खोजा था इसीलिए इसको एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ओ ने खोजा ला उन्नीस सौ के आसपास है ना और ब्लड ग्रुप ए बी किसने खोजा था एड्रीनो स्टाली और डेस्के स्टिलो एड्रीनो स्टाली और डेस्के स्टीलो ने जो है खोजा था आपका ए बी ग्रुप है ना लुइस पास्टर ने पास्टराइजेशन है ना दबीज वैक्सीन विलियम हार्वे सर्कुलेशन रॉबर्ट कोच मलेरिया है ना जो वाहक का पता लगाते हैं मधुमेह के उपचार के लिए कृत्रिम इंसुलिन है ना लगाए जाते हैं पेट में सुई लगती है है ना लगाओ रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की सेल के नाभिक को किसने खोजा सेल के नाभिक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा सेल थ्योरी किसने दी कोशिका सिद्धांत किसने दिया श्वान ने दिया बेंटिंग और बेस्ट ने कृत्रिम इंसुलिन की खोज की ताकि डायबिटीज के मरीजों को सुरक्षा दी जाए आ, रेप्लिकेशन जो सिद्धांत है वो किसने दिया है रेप्लिकेशन थियोरी, रेप्लिकेशन थियोरी, रेप्लिकेशन थियोरी किसने दिया हम्म इसको स्किप करना पड़ेगा है ना अभी हमको याद नहीं आ रहा है

एडवर्जन होम्योपैथी होम्योपैथी के संस्थापक कौन है हमने आपको स्किन डिजीज के लिए एक जो है सबसे उमदा इलाज बताया है होम्योपैथी लाइट इतनी बार बार क्यों आ रही है और जा रही है कब तक क्लास है साढ़े दस नौ बजे शुरू होती है साढ़े दस तक होती है रात को ग्यारह बजे क्लास शुरू होती है जो साढ़े बारह पे खत्म होती है है ना तो सुबह नौ बजे और रात को ग्यारह बजे सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे है ना दो समय हमारी क्लास होती है आप रेगुलर रहे हनीमैन है ना हनीमैन आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अब हम एक सेट आपको पॉलिटिका करवा देते हैं है ना हमने लोकसभा कर लिया राज्यसभा कर लिया उपराष्ट्रपति हमने कर लिया है ना अब हम आपको कहाँ पे लेके चलते हैं हम आपको पार्लियामेंट लेके चलते हैं कहाँ पे लेके चलते हैं पार्लियामेंट लेके चलते हैं सेट अपलोड कर रहे हैं चिंता ना करो है ना? हो रहा है अपलोड है ना चलो अपलोड हो चुका है अच्छा साइंस का लीडर बोर्ड दिखा देते हैं एक बार साइंस का हमने रात का टॉपिक नहीं बताया क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ के आना है है ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लिया लीडर बोर्ड चलो पंद्रह मिनट और क्लास करो उसके बाद बोर्ड देखना चलिए भारत की संघीय व्यवस्था है ना

है ना दो सदन है अपर और लोअर अपर और लोअर चलो संसद के किस सदन को जो है आप यहाँ पर प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं प्रतिनिधि सभा हम इसको प्रतिनिधि सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लोगों का प्रतिनिधि है ना अब तो हमने हिंट भी दे दी है ना लोगों का प्रतिनिधित्व होता है है ना इसलिए आपने गड़बड़ कर दी आपने दोनों लगा दिया है ना राज्यसभा नहीं आएगा ओनली लोकसभा आएगा लोकप्रिय सदन संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है संसद का लोकप्रिय सदन जल्दी लगाओ फटाफट तीस क्वेश्चन करना है पंद्रह मिनट में संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है ना लोगों का प्रिय लोकप्रिय है, है ना मजे लेते हैं ना अपन लोकसभा में जब भी हंसी टिटोली होती है चलिए संसद का स्थायी सदन कौन सा है भंग नहीं होता हाँ हमने पांच सेकंड का पोल रखा है पांच सेकंड में आपको आंसर लगाना होगा संसद का स्थाई सदन राज्यसभा है है ना संसद का स्थाई सदन राज्यसभा होने वाला है जल्दी जल्दी लगाओ भारतीय संसद बनती है किससे बनती है भारतीय संसद किससे बनती है? भारतीय संसद किससे बनेगी पार्लियामेंट <coughs> पार्लियामेंट के तीन अभिन्न ना? लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति चलिए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यहां पर ऐसा प्रावधान है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं है ना विशेष अधिकारों की चर्चा है विशेष अधिकारों की चर्चा कौन से आर्टिकल में है है ना <coughs> संसद के सदस्य को विशेष अधिकार नहीं आपने गड़बड़ कर दी है आर्टिकल आप भूल रहे हैं ये वाला है ना तो जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 105 की वजह से ठीक है चलिए कौन सा संसद का भाग नहीं है संसद का अनन्य भाग नहीं है संसद का अनन्य भाग नहीं <coughs> लगाते चलो फटाफट है ना पंद्रह मिनट का और सेशन है और आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लें यूपीएससी पी बाय आनंद सर ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है खासकर बायोलॉजी की बात करें जैसे वर्णान्धता हो गया कलर ब्लाइंडनेस है ना ये तो सिर्फ हमने एग्जाम्पल बताया आपको ये आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा ना चलिए ये क्वेश्चन लगाइएगा तीन अंग होते हैं जिसमें एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा तीसरा कौन सा होता है तीसरा हो जाएगा आपका जल्दी लगाओ प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर प्रेसिडेंट तीसरा हो जाएगा ना कितने अंग हैं? कितने आपके यहाँ पर जो है पार्ट्स हैं, अभिन्न अंग बोल सकते हैं इसको कितने है? अभी तो देखा राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति है ना लेकिन सदन पूछे ना अपर हाउस लोअर हाउस तो दो लगा देना चलो आर्टिकल पहचानो आर्टिकल तो सबसे इंपॉर्टेंट है।, है ना संघ के लिए एक संसद होगी जो तो राष्ट्रपति और दो सदन अपर और लोअर हाउस से मिलकर बनी होगी कौन से आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में है अपन ने देखा था ना उन्नासी अस्सी और इक्यासी में देखते हैं चलिए ये हो जाएगा सेवनटी नाइन सेवनटी नाइन इज द राइट आंसर सेवनटी नाइन आपका सही हो जाएगा कौन सा एक इनकरेक्ट है तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आ, है ना एक इनकरेक्ट लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है राज्यसभा अस्थाई सदन है भैया अस्थाई कब से हो गया टेम्प्रेरी कब से हो गया <coughs> है ना पोल ही नहीं आया लो फिर से लगाओ <coughs> एक क्वेश्चन का समय बर्बाद हो गया अपना पोल की वजह से तो सी आंसर जो है इसका सही होने वाला है है ना ये तो एक स्थाई सदन है ना चलो कौन सा सही है कौन सा करेक्ट है इस बार करेक्ट पहचानना है अपने को इस बार करेक्ट पहचानना है इस बार करेक्ट पहचानो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि है हमारा प्रतिनिधि करती है राज्यसभा एक उच्च सदन है अपर हाउस है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व तो करता है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व तो करता है उपयुक्त सभी चलिए संसद का निम्न और उच्च क्रमश लगाओ जो पहले पूछा है उसे पहले लगाना है यानी कि पहले निम्न पूछा है लोअर हाउस पूछा है रिस्पेक्टेवली तो अपने को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी जो पहले आया उसका पहले सम्मान होता है जो पहले आता है उसे पहले तिलक लगाया जाता है है ना लोकसभा पहला आएगा निम्न और उच्च राज्यसभा चलिए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है है ना क्या आप जानते हैं पूरे के पूरे पार्लियामेंट को भंग कर सकता है इतनी पावर है <खेग> लेकिन नाम मात्र की पावर होती है सारी की सारी पावर तो प्रधानमंत्री के पास है ये नाम मात्र की पावर रखता है बस है ना चलिए राष्ट्रपति सारी की सारी पावर तो पेशवा के पास होती है और अभी हमारे पेशवा कौन है प्रधानमंत्री <खेग> चलिए संप्रभुता सोवर्निटी है ना भारतीय इज सोवर्निटी भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है ना ऐसा नहीं कि सारी की सारी शक्तियां दे दी गई हैं पार्लियामेंट को ये पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सके है ना तो आ, मतलब कि खुद से निर्णय लेना तो देखो राष्ट्रपति की शक्तियों से न्यायिक समीक्षा से हमने जुडिशरी को अलग किया है ना बोलो देखो जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे को कंट्रोल पोल रोंग हमने क्या लगा दिया यहां पर हमने क्या लगा दिया रुको 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 पोल रोंग लगा दिया सही, सही, सही तो कह रहे हो आप सही कह रहे हो सही कह रहे हो तो हम वही कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है और पार्लियामेंट है उनकी शक्तियों को अलग अलग जो है विभाजित किया गया है अरे न्यायिक समीक्षा अभी तो बता रहे हम हमने डी लगा दिया था गलती से अरे हमने डी गलत लगा दिया था द राइट आंसर इज बी ऑप्शन अरे पार्लियामेंट और आपकी जुडिशरी अलग है ना हे भगवान ए नहीं होगा इसका भारतीय संसद की संप्रभुता यानी कि जो भी संसद फैसले लेगी है ना जुडिशरी उस पर समीक्षा करेगी ना एक बार हे भगवान छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में नहीं जा रहा संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? चलिए तो तीन वैसे तो दो तो होना ही चाहिए हर छह महीने में लेकिन एक बजट सत्र भी होने लग रहा है ठीक है ना चलो आगे चलते कितने समय अंतराल में जो है आपको अधिवेशन लाना पड़ेगा कितने समय अंतराल में अधिवेशन आपको बुलाना पड़ेंगे मीटिंग बुलाना पड़ेगी कोरम के लिए एक बटे दस होना चाहिए गणपूर्ति है ना चलो लगाते चलो उड़ाते चलो आगे चलते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब संविधान के 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 में कोई संशोधन करना हो तो ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं विधेयक को पारित करने के लिए या ऐसा विधेयक जिस पर विचार करने के लिए उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो जाए है ना लगाओ तो संयुक्त अधिवेशन कब होगा है ना 108 आर्टिकल बता रहे हैं आरजे है ना तो हम जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे आर्टिकल 108 में व्यवस्था की गई है देखो आप हमेशा याद रखना ये तीन कारण कभी भी इसके लिए जॉइंट मीटिंग नहीं होती राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना या कोई आपका आ, बिल है ना और इस प्रकार से आपको याद रखना है बस अगर कोई मतभेद हो जाए दोनों सदनों में उसके लिए जॉइंट मीटिंग होगी है ना भारतीय संसद <coughs> चलिए लगाइएगा तो ज्वाइंट मीटिंग कब हो सकती है ज्वाइंट मीटिंग कब हो सकती है अभी अभी अपन ने देखा ज्वाइंट मीटिंग कब हो सकती है हमने आपको अभी अभी बताया कि भैया कोई संविधान में संशोधन होगा उससे रिलेटेड ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती कोई अमेंडमेंट है ना मनी बिल मनी बिल को अपन जो है फाइनेंस बिल वित्त विधेयक भी बोल सकते हैं उसके लिए ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होगी अगर साधारण विधेयक विधेयक में दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए है ना अभी अभी तो किया था अपन ने पिछला क्वेश्चन देखो अगर कोई ऐसा विधेयक कोई एक ऐसा बिल जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो जाए तो फिर ज्वाइंट मीटिंग बुलाना पड़ेगी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए सी इज द राइट आंसर समझ गए आप गड़बड़ करते हो याद रख लो रट डालो घोल के पी जाओ है ना बिल <coughs> के लिए अमेंडमेंट के लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कभी भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती ठीक है याद रखो एक ही क्वेश्चन आप बार बार गलत करते हैं जबकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही है है ना मिनट का समय हमारे पास बच रहा है और तीस क्वेश्चन पंद्रह मिनट में तीस क्वेश्चन का वादा हमने किया है आपसे चलिए दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाएगा प्रेसिडेंट बुलाएगा लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाएगा हाँ लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता जरूर करेगा समझ गए ठीक है ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही है ना चलो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है आगे फिर से वही क्वेश्चन राष्ट्रपति जब बुलाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए संसद का सत्र शुरू होने वाला हो चलिए मतभेद एक साधारण एक साधारण विधेयक में अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए है ना चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फिर से जो है ज्वाइंट uh, मीटिंग का क्वेश्चन आया है क्या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी या कोई अमेंडमेंट के लिए बुलाई जाएगी है ना हमने अभी अभी बहुत अच्छे से याद कर लिया है वित्त विधेयक बिल विधेयक है ना उसके लिए बुलाई जाएगी कभी भी बिल विधेयक वित्त विधेयक है ना मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जाती एक कोई सा साधारण विधेयक हो जिस पर मतभेद हो जाए दोनों सदनों में अब तो याद हो ही गया होगा अब तक तो दस बार रिपीट कर दिया हमने चलिए फिर से क्वेश्चन वही आया है कि कोई सामान्य विधेयक कोई सामान्य बिल जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध आ जाए मतभेद हो जाए है ना तो उसका समाधान कौन करेगा संयुक्त सदन ज्वाइंट मीटिंग ही समाधान करेगी ये बुलाता कौन है बुलाता तो राष्ट्रपति है है ना अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है समझ गए चलिए यह क्वेश्चन लगाओ अब तक कितनी बार ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जा चुकी है अभी जब से संविधान लागू हुआ जब से अब तक है ना अब तक तीन बार जो है ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जा चुकी है आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लो वरना हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किसके समय में किसकी सरकार में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ठीक है चलिए क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाएंगे तो हमने आपको अभी बोल के बताया था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे जल्दी बताओ तीन बार लगाना तीन बार है ना कभी नहीं कभी नहीं करेंगे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं. है ना ठीक है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त तो अब जिसके इसमें पोल नहीं आ रहा है आपके इसमें गड़बड़ है हमारे मोबाइल में एकदम आ रहा है पोल हमारे मोबाइल में आ रहा है हमारे मोबाइल का नेटवर्क सही है आपके मोबाइल का नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रही नेटवर्क में है ना इस वजह से ऐसा हो रहा है चलिए लगाइएगा तो अगला ही क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की जो ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता है वो कौन करेगा अच्छा ऐसा भी तो अपन ने क्वेश्चन किया था कि अगर ये एबसेंट है अगर लोकसभा स्पीकर एबसेंट है तो फिर कौन करेगा फिर कौन करेगा फिर कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष सिंपल सी बात है लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर हो जाए, संबोधित कौन करता है? संबोधित करना मतलब बुलाना होता है बुलाना मतलब आहूत करना होता है कि आहूत मैं संबोधित करता हूं आ जाओ सब आ जाओ तो हमने हिंट दे दी तो आपने जल्दी से लगा दिया अगर आपका डिप्टी चेयरमैन भी आ, हो तो आप लगा देना जो राज्यसभा होती है ना उसका वॉइस है है, है है ना ना उपसभापति अपन जिसको बोलते हैं राज्यसभा के उप सभा के उपसभापति राज्यसभा सभापति मत लगा देना राज्यसभा का सभापति कभी भी ज्वाइंट मीटिंग की बैठक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति बने क्या क्या बने वो एक समय में तीन तीन काम करेगा क्या प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर चलो ये क्वेश्चन लगाओ फिर से वही क्वेश्चन आया है कि भैया ज्वाइंट मीटिंग क्यों बुला रहे हैं याद रखना संविधान संशोधन से रिलेटेड मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती मनी बिल से रिलेटेड जो है ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में कोई जो है ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती कोई साधारण विधेयक हो उस उसपे जंग छिड़ जाए तो साधारण विधेयक है ना अपने को यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन तो अच्छा है यह एक बेहतर क्वेश्चन है देखना गड़बड़ मत करना ठीक है गड़बड़ मत करना बहुत शानदार क्वेश्चन है यह अब देखो ज्वाइंट मीटिंग आ, कर देना गड़बड़ ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है कि भैया विवाद हो गया है, है ना कोई साधारण विधेयक से दूसरा आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे दो तिहाई भाई कोई आपका एक सदन से दूसरे सदन में थोड़ी जा रहा है जो दूसरे लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा होती है लोकसभा सदस्यों की जो है संख्या ज्यादा होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा मत किसमें पड़ेंगे ज्यादा मत जिसके पड़ेंगे ना वही आपका जो है पास हो जाएगा

Uh, सुबह नौ बजे और रात को ग्यारह बजे सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे आप रेगुलर रहेंगे जिससे है ना हम बेहतर आपको रिविजन करा पाए है ना रेगुलर रहेंगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे गलत को सही करना सीखेंगे है ना नए नए क्वेश्चन हम करेंगे रात का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पूरा का पूरा जो है जियोलॉजी अच्छे से पढ़ के आना है जिसमें हम पृथ्वी की बाहरी संरचना जो वायुमंडलीय संरचना है वो तो अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं अब हम वायडली संरचना बाहरी संरचना को छोड़कर अब हम अंदर एनाटोमी करेंगे आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है ठीक है रेगुलर रेगुलर रहो रेगुलर रहेंगे अच्छा परफॉर्म करोगे आतिफ कृष्णा राकेश विश्वजीत लवली पप्पू संतोष गुड्डू अंश निधि है ना अंश आप अच्छे बच्चे हैं है ना आप शैतानी ना करें हम चाहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारी क्लास में हो है ना हमारी क्लास का रिजल्ट अच्छा हो सारे बच्चे हमारी क्लास के सिलेक्ट हो है ना लेकिन शैतानी वो भी वाली वो नहीं चल पाएगी है ना तो अच्छे से पढ़ें अच्छे से रिवीजन करें सभी बच्चे अच्छे होते हैं है ना गलती इंसान से होती है लेकिन कोई मूर्खतापूर्ण अगर, अगर अपन गलती करते हैं तो वो असहनीय है है ना वो क्लास की गरिमा के लिए अच्छी नहीं है है ना क्लास के माहौल के लिए अच्छी नहीं है बाकी सब चीजें ठीक ठाक है है ना चलिए सो so, बब बाय टेक केयर ख्याल रखो रात को ग्यारह बजे मिलेंगे मुनमुन रेगुलर रहो आप रेगुलर नहीं रहते हैं बहुत सारे बच्चे एक दो दिन क्लास अटेंड करते हैं फिर चले जाते हैं ऐसा ना करो है ना ठीक है चलो हम ओपन कर देते हैं भेज दो आप है ना ठीक है भेज देते हैं तो आप शैतानी ना करें हम हमारा समय और आपका समय बहुत कीमती है हम सभी का समय बहुत कीमती है टाइम इज मनी जल्दी जल्दी अपने आप को अपग्रेड करो जल्दी जल्दी आप सिलेक्ट हो जाओ जितना जल्दी सिलेक्ट होंगे उतनी जल्दी सैलरी पाएंगे जितना जल्दी सैलरी आएगी उतना जल्दी कुछ इकोनॉमी प्लानिंग अपन करेंगे फ्यूचर में है ना उतनी जल्दी हम ऐश कर पाएंगे घूमेंगे फिरेंगे फैमिली को है ना हम यहाँ पर पूरी हेल्प करेंगे मदद करेंगे सबका जीवन सुखमय हम बनाने का प्रयास करेंगे तो ये समय अपना बनाने का है इस समय को आप अपना बनाइए शैतानी करना है लेकिन लिमिट वाली करना है एक दूसरे को आप छीले नहीं एक दूसरे को एब्यूज वर्ड आप ना बोले है ना माहौल बनाओ अच्छी बातों से माहौल बनाए रखो है ना हमें पता है एकदम से कंटिन्यू क्वेश्चन करना लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना फैक्ट इफेक्ट की चर्चा करना थोड़ा सा माइंड इरिटेट हो जाता है इसलिए हम बीच बीच में थोड़ा सा कुछ कहानी किस्से या बचपन में आपको ले जाते हैं है ना लेकिन कुछ बच्चे उसका गलत फायदा उठा जाते हैं एक दूसरे को गालियां बकने लगते हैं ये गलत है है ना ये रॉन्ग है चलो तो सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे रेगुलर रहो है ना सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे आप रेगुलर रहेंगे ठीक है हम्म आपने क्या भेजा देख लेते हैं ना अमेरिकी शहर ने तीन सितंबर को घोषित किया सनातन धर्म दिवस हाँ अभी जो है सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है तमिलनाडु के कुछ आ, है ना पॉलिटिशियंस बहुत गलत गलत और अभद्र है ना यहाँ पर आ, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं धर्म को लेकर के इतने मूर्ख लोग हैं कि हम क्या ही बताएं है ना शब्द कम पड़ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए चलिए तो बने रहो सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे है ना सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे ठीक है टेक केयर ख्याल रखो थैंक यू वेरी मच है ना और क्या चल रहा है दिमाग में <laughs> आप कह सकते हैं हमें एल आई सी या पढ़ाई पे ध्यान दो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं है, है ना शैतानी कम किया करो शैतानी करो लिमिट वाली है ना और बताओ क्या चल रहा है साइंस जीरो इसलिए एक सेशन हमने साइंस को डेडिकेट किया है सुबह नौ बजे वाला रात को अपन जी के करते हैं ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा पृथ्वी के बारे में आपको पता होना चाहिए है ना अच्छा आप रेगुलर रेगुलर रहो क्योंकि देखो हम हम भी और आप भी अब बहुत कम समय के लिए अन अकेडमी पर हैं अब हम ज्यादा समय नहीं रुकेगे अनडमी पर आप भी ज्यादा समय ना रुकें ठीक है चलो ये क्वेश्चन अच्छा है इसको देख लेते हैं अपन है ना समसूत्री विभाजन आएगा ए इज द राइट आंसर कैंसर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी होता है अर्धसूत्री विभाजन तो जो जब जेंडर डिसाइड होता है तब होता है है ना समसूत्री समसूत्री इज द राइट right आंसर एक और चेक कर लेते हैं रुको है ना कुछ कठिन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एंजाइम एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल है ना और होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेस की कमी से है ना कौन सी बीमारी होती है तो यहाँ पर जो है अपन ने जो है आरबीसी का इंक्रीमेंट देखा आरबीसी का इंक्रीमेंट देखा था थेलेमिया होता है एलकेप्टो है ना तो इसको तो चेक करना पड़ेगा एक बार है ना एक बार इसको अपन चेक करेंगे और भेजा है और देख लेते हैं अपन है ना और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो रेडार में होता है ना अपने रेडार में उसको तो अपन पकड़ लेते हैं जो रेडार से बाहर चला जाता है उसको चेक करना पड़ता है चलिए एक अवतल लेंस ले लेते हैं ठीक है मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण है ना अवत अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ से किस बिंदु की ओर झुकती हुई है ना तो यहाँ पर देखो अगर उसी दिशा में लौट रही है अपन ने देखा था ना उसी दिशा में अगर लौट रही है तो अपन एक बार देख लेते हैं ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेंटर ये फोकस है ये पोल है है ना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही मुख्य अक्ष के समांतर पैरल एक्सिस के समांतर आ रही ना तो पैरल एक्सिस के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद पैरल एक्सिस के समांतर आ रही है दर्पण से टकराने के बाद वो तो फोकस से जाएगी एक बार यस लिख दो समझ में आ गया क्या समांतर आ रही मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाएगी एक बार यस लिख दीजिए फिर क्लास ऑफ करते हैं समझ में आ गया और अगर ऐसा बोलता कि कोई किरण सेंटर से आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी ठीक है चलो एक और भेजा है क्या आपने वो भी देख लेते हैं चलिए है ना वो एक और देख लेते हैं रुको हम्म <laughs> ये देख लेते हैं अपन एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है कोशिका में सबसे ज्यादा तो होता है जल ध्यान रखना कोशिका में सबसे ज्यादा पदार्थ जो पाया जाता है होता है जल ठीक है और दूसरे नंबर पे होता है प्रोटीन पहले नंबर पे जल दूसरे नंबर पे प्रोटीन है ना मिनट टुकना हम आते मिनट रुकिएगा हम आते हैं? चलिए है ना तो कोशिका में सबसे ज्यादा तो जल होता है दूसरे नंबर पे प्रोटीन होता है, है ना याद रखो ठीक है ना की से, में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा होती? प्रोफेस, देखो प्रोफेस में, प्रोफेस इसका लग रहा है, कारण क्या है? कि शुरु अवस्था, है ना शुरुआती अवस्था में ही जो है कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और जब तक सक्रियता नहीं होगी जब तक जो है कोशिका विभाजन कैसे होगा लेकिन फिर भी आप इसका एक बार चेक करके बताना प्रोफेस इसका आंसर जो है ज्यादा सही लग रहा है ना चेतानी मत करो है ना किसने भेजा था संतोष संतोष एक बार चेक करके बताना ये 58 का आंसर क्या है 59 का तो आंसर प्रोटीन होगा है ना अगर जल लिखा हो तो जल पहले नंबर पे होगा है ना कोशिका में सबसे ज्यादा जल होता है दूसरे नंबर पे प्रोटीन होता है ठीक है उसके बाद और क्या भेजा आपने और चेक कर लेते हैं रुको अच्छा सोनू ये आप हैं क्या आप ही खड़े हैं क्या ये आप ही खड़े हो क्या अच्छा तो आप उत्कर्ष क्लासेस में है ना रैंक फोर थ्री नाइन स्कोर इतना सारा है आपका एक बार देखते इम्प्रूव योअर सेल्फ सोनू कुमार है ना योर रैंक फोर थ्री नाइन स्कोर इतना इतना टोटल स्टूडेंट्स इतने सारे थे इतने सारे स्टूडेंट में आपकी ये रैंक है तो बहुत बेहतर रैंक है है ना कॉन्ग्रेचुलेश कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला है क्या और कौन से शहर में आप इस समय कहाँ पे फोटो खींचा है आपने ये है ना उत्कर्ष क्लासेस का लग रहा है अच्छा प्राइस मिला था प्राइस मिला था चलो ठीक है बधाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं है ना बस इतने ही तो भेजे आपने और जो ये एंजाइम वाला है ये तो चेक करना पड़ेगा बाकी तो और कुछ भी नहीं दिख रहा एंजाइम वाला तो चेक करना पड़ेगा इसको चेक करेंगे और ये भी तो एंजाइम वाला ही है दो लगातार आपने सेम क्वेश्चन भेज दिए हैं है, है ना और कौन सा है देखते हैं ये मुख्य फोकस वाला अपन ने देख लिया अनियंत्रित होता है है ना अर्धसूत्री मत लगाना समसूत्री भजन लगाना बस इतने ही भेजे आपने और तो कोई नहीं भेजा हमको चलो तो रात को 11 बजे जुड़ेंगे ठीक है रात को 11 बजे आप सभी जुड़ेंगे ठीक रात को 11 बजे जुड़ो और कल क्या तारीख है बारह तारीख है ना कल आ, हम आपको रात को ग्यारह बजे वाला सेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको ट्रेवल करना होगा है ना तो हम आपको बता देंगे कल वाली क्लास में सुबह बता देंगे कि कल रात को 11 बजे वाला सेशन नहीं होगा है ना या तो अपन रात को 11 बजे वाला सेशन क्या करेंगे जल्दी रख लेंगे 9 बजे रख लेंगे ताकि आपका क्लास का नुकसान ना हो एक काम करेंगे कल का जो सेशन होगा 11 बजे वाला अपन 9 बजे कर लेंगे है ना सिर्फ कल कल की बात है है ना 9 बजे कर लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ट्रेवल पे हैं है ना अब क्या करो क्लास तो लेना पड़ेगी या फिर अगर आप या फिर अपन क्लास ही नहीं करते छुट्टी <laughs> क्योंकि हम 11 बजे ट्रेवल पे रहेंगे ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच ख्याल रखिए सभी है ना और बने रहो सुबह नौ बजे रात को ग्यारह बजे परिवार में फंक्शन है है ना जाना पड़ेगा ओके बाय बाय टेक केयर ख्याल रखिए सभी है ना मस्त रिविजन